Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So आज का video है tuberculosis Q&A and if you're new here, hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos here, especially tuberculosis related videos because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे comments में बहुत सारे questions आए हैं तो मैं every month और कभी कभी मंथ में दो बार की मैंने वीडियो बनाती हूँ तो आज मैं बना सो गाइज आज मैं बाहर बैठ के शूट कर रही हूँ क्योंकि घर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बाहर शूट कर रही हूँ तो इधर उधर से थोड़ी सी आवाज़ें आती है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करना थोड़ा सा और हाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो मैंने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे इनको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. तो सबसे पहले हाई दी टीबीएम की वजह से मेरा वेट गेन हो गया है तो वेट को कैसे कम करूँ. तो टीबीएम की वजह से अगर आपको टीबीएम है ट्यूबरक्यूलोसिस ब्रेन में स्पाइन में है तो आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं और उससे आपका वेट गेन होता है. अगर आपका स्टेरॉइड चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है. जब आपका वो स्टॉप हो जाएगा मेडिसिन टैबलेट तो धीरे धीरे आपका वेट जो है आप शेप में आने लगोगे. अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो और बिल्कुल भी अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत देना कि आपको वेट लॉस करना है. क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है तो तरह तरह के डाइट फॉलो कर लिए और खाना नहीं खाया, अपने आप को ऐसे स्टार्व करते हैं. वो सब कुछ नहीं करना है, आपको बस लाइट एक्सरसाइज करना है. क्योंकि आपको ब्रेन में टीबी है, स्पाइन में टीबी है तो आप हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो. बहुत लाइट एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक करो, अगर आप जॉगिंग कर सकते हो तो वो करो. तो आप इतना कर सकते हो. अनदर क्वेश्चन इज मेरी मॉम को हुआ है एंड आई नीड इंफॉर्मेशन कब तक चलना स्टार्ट होगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज उनकी मेमोरी ओके. तो शी इज़ आस्किंग कि चलना कब तक स्टार्ट होगा. तो ये जो है डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट टाइम लगता है. जैसे मुझे 6 मंथ्स बाद मैं चली थी लेकिन मैंने किसी किसी ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो 1-1.5 महीने बाद ही चलते हैं एंड किसी को साल भी लग जाता. तो मैंने वर्ल्ड टीबी डे पे एक वीडियो शेयर की है जहाँ पे मैंने अपनी ट्यूबरक्यूलोसिस जर्नी शेयर की है तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकती है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. लेकिन ये हर पेशेंट के लिए सेम नहीं रहता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है. अगर आपकी मम्मी जो है चल नहीं सकती है तो आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे सजेशन लीजिए और अगर वो बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी कराना सही रहेगा तो आप फिजियोथेरेपी कराइए. ओके, अनदर क्वेश्चन इज 15 डेज मेडिसिन का गैप आने पर प्रॉब्लम हो सकता है क्या. तो अगर आपके ट्रीटमेंट के एंडिंग टाइम में गैप, क्योंकि मेडिसिन में गैप बहुत चीज़ों से होता है. कभी कभी मेडिसिन लेते लेते किसी का लीवर में इफ़ेक्ट होता है तो उनके लिए जो है मेडिसिन का डॉक्टर्स खुद गैप कर देते हैं, टीबी का मेडिसिन स्टॉप करके जो दूसरी प्रॉब्लम है उसका जो है वो चालू कर देते हैं. तो अगर आपका आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपको कहीं और प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से टीबी का मेडिसिन स्टॉप करके दूसरी टैबलेट चल रही है तो 15-20 दिन बाद फिर से टीबी की टैबलेट चलेगी. तो इतना जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट अगर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी आप गैप कर रहे हो तो ये सही नहीं है, आपको डेली लेना है. क्वेश्चन इज सिस्टर ज़्यादा यूरिन बार बार आता है, क्या ये ज़्यादा पानी पीने के कारण है या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है. तो एक तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम है एंड 2 दिन पहले मैं यूरोलॉजिस्ट के पास इसी प्रॉब्लम से गई थी. तो अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो एक जो होता है कि आप ज़्यादा पानी पीते हो उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा यूरिनेशन होता है. दूसरा ये होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ ज़्यादा आपको यूरिन के साथ जैसे आपको पेट में दर्द है या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, जो स्टमक होता है वहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग है, पेन है, तो आपको हो सकता है कि आपको यूटीआई हुआ हो. तो उस केस में जो है आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार अपना यूरिन जो टेस्ट होता है वो कराइए. अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ में अगर आपको यूरिन में जलन होती है, पेट में जलन या फिर पेट में दर्द होता है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाके वो 2-3 टेस्ट देते हैं वो टेस्ट कराइए, फिर आपको पता लग जाएगा. ओके, अनदर प्रॉब्लम इज़ क्या टीबी के साइड इफ़ेक्ट से डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है और क्या ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहती है. डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम, तो टीबी की जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है. मेंटली ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है. अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मेंटल हेल्थ, उसका भी मुझे लिंक मैं नीचे दे दूँगी. ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मेंटल हेल्थ आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं. तो उसमें
बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस का ट्रीटमेंट जो है वो मेंटल हेल्थ पे किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज, टीबी की दवा खाने से बोन्स वीक होती है क्या? तो टीबी की दवा के साथ अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो बोन्स वीक होते हैं। स्टेरॉइड का ये मेन साइड इफेक्ट होता है कि आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, मेरे भी हुए हैं तो हाँ। ओके, अनदर क्वेश्चन है, वजन कब से बढ़ना स्टार्ट होता है प्लीज़ बताइए, मेरा 1 kg वज़न और कम हो गया है और 1 महीने की दवाई करने के बाद भी। तो वज़न अगर आपका बीच में कम हो जाता है तो इट्स ओके, ऊपर नीचे होता रहता है। वज़न आपका जब तब बढ़ता है जब आपका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मैं 6 months में बेड रिडन थी, उस टाइम मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा क्योंकि मैं बेड से उठ के चल भी नहीं पा रही थी, खाना भी अच्छे से नहीं खाती थी। लेकिन जब मेरा 9-10 months हुआ तो मेरे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगा, मैं चलने भी लगी थी और उस टाइम से मेरा वज़न बढ़ना, वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जब आपका जो टीबी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है उसके बाद ही वेट बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने मेडिसिन ले ली और उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा, 6-7 months भी लगते हैं आपको, नहीं तो 1 साल भी लग सकता है। जब आपकी बॉडी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आने लगेगी तभी आपका वेट बढ़ता है। और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि वेट बढ़े ही ना, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अनदर क्वेश्चन है, आई एम ऑल्सो अ TBM पेशेंट, मेडिसिन की वजह से टीथ पर भी इम्पैक्ट होता है क्या? यस, मेडिसिन की वजह से जो है टीथ पे भी इम्पैक्ट होता है। ओके, अनदर क्वेश्चन है, मेरा पीरियड में ब्लड बहुत कम आता है एंड इट्स बिन 10 days आई एम नॉट गेटिंग पीरियड, तो प्लीज़ रिप्लाई मी। तो ये हो सकता है कि आपके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो, क्योंकि जो टीबी में आप एक टैबलेट लेते हैं उससे जो है आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है उस पर थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो लोग 3-4 महीने पीरियड मिस करते हैं, या फिर किसी को इरेगुलर पीरियड होते हैं, या फिर किसी का फ्लो कम होता है। तो आप जो है एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और उनको बताइए कि मैं ATT पे हूँ, मैं ATT ले रही हूँ, तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आपको उल्टी अब तक होती है? तो नहीं, अभी मुझे उल्टी नहीं होती है। मुझे वॉमिटिंग जो है 6 months तक मुझे कंटिन्यूस वॉमिटिंग था। अगर वॉमिटिंग नहीं भी होता तो वॉमिटिंग सेंसेशन तो होता ही होता, और अगर वॉमिटिंग में कुछ नहीं निकलता तो थोड़ा पानी तो निकलता ही निकलता था। वो 6 months मेरे लिए डेली बहुत डिफिकल्ट था, डेली वॉमिटिंग होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए मैं यही बोल रही हूँ, ये हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो या फिर ज़्यादा पानी के पीने के कारण हो सकता है। तो एक बार आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। सर, आपका पेन कब तक ठीक हो गया था प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरा जो पेन है, हेडेक है, मुझे ब्रेन टीबी था तो मुझे हेडेक होता था, तो वो जो है मुझे 9-10 months के बाद में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो है मुझे हेडेक जो है 1 साल बाद मुझे हेडेक कम होने लगा था, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं, हेडेक होता है, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार हेडेक होता था, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 बार, ऐसे ऐसे करके। तो अब तक मुझे हेडेक होता है कभी कभी। ओके, अनदर क्वेश्चन इज, मेरा यूरिक एसिड का मेडिसिन ले रही हूँ फिर भी लेग एंड जॉइंट में पेन हो रहा है, कोई रेमेडीज़ है? तो ये लेग में पेन तो मेरा भी बहुत है, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया है कि लेग पेन के लिए मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। तो अगर आप यूरिक एसिड का मेडिसिन ले रही है फिर भी आपका लेग पेन नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके लेग में कोई और प्रॉब्लम हो, ये यूरिक एसिड की वजह से ना हो। तो आप एक बार जो है ऑर्थोपेडिक को दिखाइए, ऑर्थोपेडिक को दिखा के वो कुछ स्कैन्स देंगे तो आप वो कर सकते हैं। आप एक बार बोन मिनरल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम ये मेडिसिन लिया है, तो आप एक बार ऑर्थोपेडिक को दिखाइए फिर वो बोलेंगे क्या क्या स्कैन्स करना है। और आप जो है रिलीफ के लिए, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, अगर आप ऑयल्स जो पेन रिलीफ ऑयल होता है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ करी थी ऑर्थो ऑयल, वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा, सीवियर पेन के लिए नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल माइल्ड थोड़ा सा पेन होता है एंकल पे, लेग पे, तो उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्थो ऑयल, या फिर दूसरे ब्रांड्स के भी होते हैं। मैं यूज़ करती हूँ ऑर्थो ऑयल और ब्लू नेक्टर का पेन रिलीफ ऑयल है आयुर्वेदिक, वो वाला।
अनदर क्वेश्चन इज, क्या आपका ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया? मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है. मैंने व्लॉग में बताया होता है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मेडिसिन ले रही होती हूँ, फिर भी नीचे कमेंट्स में यही आता है कि आपका ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया, आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है. तो मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं हुआ है. इट्स बिन 23 months आई एम टेकिंग टैबलेट एंड नेक्स्ट मंथ मेरा MRI है. 24th month में 2 साल होने के बाद अगर MRI में सब कुछ ठीक आता है तो मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगा. गाइस, तो आप लोग भी प्रे करना कि मेरी MRI में सब कुछ ठीक आए. ओके, अनदर क्वेश्चन इज, आपको निक्षेप पोषण योजना. ओके, इसके बारे में तो मुझे बात करनी थी. कोई पूछ रहा है कि निक्षेप पोषण योजना जो है उसका आपको अमाउंट मिला, तो मुझे नहीं मिला है गाइज. जैसे ही मैंने निक्षेप पोषण योजना में 4-5 months पहले रजिस्टर किया था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोग भी यहाँ पर रजिस्टर कराओ, मंथली 500 rupees मिलता है. लेकिन मेरा निक्षेप पोषण योजना का नहीं मिला, पैसे तो नहीं मिला, लेकिन मुझे TV जहाँ पर मैंने कराया था वहाँ से मुझे कॉल्स आए 2-3 बार और उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ 6 months का मिलेगा क्योंकि आपने प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराया है और आपका कब TB डायग्नोज हुआ था वो भी हमें क्लियर नहीं है. तो मैंने बोला कि सर, मैंने तो जब मेरा TB डायग, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरे डिस्चार्ज समरी दिखाई थी तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था डेट. तो मैंने बोला कि जब मैंने रजिस्टर कराया था तो वहाँ पे मैडम को मैंने डिस्चार्ज समरी दिखाया था तो वहाँ पे डेट क्लियरली लिखा हुआ था. फिर भी उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका 6 month का मिलेगा. तो मैंने बोला ठीक है, अब 6 month का मिलेगा तो भी ठीक ही है, अगर नहीं मिलता तो भी ठीक ही था. पर फिर जब मैंने TB सेंटर, मतलब जो निक्षेप पोषण योजना का कॉल सेंटर है, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपको 18 months का ही मिलेगा. लेकिन 5 महीने हो गए रजिस्टर करके, अब तक मुझे नहीं मिला. एक बार मैंने कंप्लेन की थी तो हमेशा वो कंप्लेंट वाली मुझे मैसेज, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए मेरे फ़ोन में कंप्लेंट की कि आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया है, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया है. बस यही है अभी. अगर आप लोगों में से किसी का मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना.